तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम थे अयोध्या में। अयोध्या से सीधा हम लोग ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं अपने मेरे गांव देवरिया में। तो देवरिया तो पहुंच गए थे। तो अब इस वीडियो में देखोगे, मैं आपको गांव का माहौल दिखाऊंगा, मतलब हर चीज़ दिखाऊंगा गांव का, और घूमेंगे गाँव एंड खेत जाएंगे, साइकिल में घूमेंगे, ई खाएंगे, और साथ ही साथ क्रिकेट के बिना तो कहाँ, क्रिकेट खेलेंगे, और साथ ही साथ वहाँ का खान पान, स्ट्रीट फूड, और साथ ही साथ मैं मिलाऊंगा मेरे सिंगर भैया से। जैसे जैसे चन सजौले बड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बारे। तो सुबह होती और मैं और मेरा दोस्त उठ जाते हैं। तो सुबह सुबह उठ के मेरा दोस्त फ्रेश होता हुआ, और ये रहे मेरे दादाजी। आपका आपका है सब लिया। फिर मैं गया दतवन करने के लिए। अमृत जा रहा है दतवन तोड़ने की ओर। तोड़ भाई, तोड़ तोड़ तोड़। अरे साला ये तो खतरा है। तो ये था मेरा भाई जो मुझे दतवन तोड़ के देता हुआ। गाइस अभी आए हैं गांव में, तो दतवन तो करना बनता है। तो बस फ्रेश होके मैं चला गया छत के ऊपर, क्योंकि मेरे दोस्त लोग वहीं थे। और फिर मेरे दादाजी मुझे देते हुए मीठा लो। एंड फिर हम आ गए नाश्ता करने के लिए। तो अब गांव आया तो खाने पीने का तो चिंता नहीं करने का। एंड देन फिर हम निकल गए टहलने की। मौसम तो बहुत ठंड था और साथ साथ बहुत कोहरा था, बट बहुत सुहाना मौसम था। तो बस हम यूं ही टहलते हुए जा रहे थे गन्ना खाने के लिए। घूम रहे आकाश में जा रहे बहुत ज्यादा। गांव मतलब अपनापन। अब देखिए हर जगह हरियाली, नेक्स्ट लेवल, दिल को सुकून मिलता है। मैं आके साइकिल चलाता हुआ और मेरा दोस्त भी इंजॉय करता हुआ एकदम मजे से। एंड देन ये देखिए घोड़ा गाड़ी। एंड फिर हम पहुंच गए अपने गन्ने के खेत पे। तो बस गन्ना खाने के लिए चलते हैं। तो ये रहा गन्ना का खेत। तो चलिए प्रैक्टिस करते हुए, क्या का पता चल रहा होगा। गांव आए हैं अभी। पानी कहाँ है तेरा? मेरी जीर पानी अच्छी छुरिया काटेगा घास में। तो बस गन्ना खाने के लिए मैं घुस गया अंदर। गाइस आ जाओ, तनो तनो अमरीश निकालते हुए यहाँ पे गन्ना। चलो आ गया गन्ना की खेती। खाते हैं गन्ना। तो गाइस देखिए अभी हूँ मैं गांव में, तो गन्ना तो खाना बनता है। अपना अपना हाथ देखिए एक बार। बहुत मस्त। तो गन्ना तो खा लिए थे। तो ये देखिए गांव के बच्चे किरे वो ठीक बा। फिर हमें मन किया अमरूद खाने का। तो अब क्या, गांव तो अपना है, कहीं से भी तोड़ ले। फिर हम मेरा भाई तोड़ता हुआ अमरूद। अमरूद फिर मेरे दादा गिटिस मींस गुड़देल बना के दिखाते हुए मेरे दोस्तों को। उसके बाद हम गए हमारा मेन काम क्रिकेट खेलने के लिए। फिर गया स्ट्राइक पे मैं। एंड फिर हुई बॉल गुम हमारी, जिसका डर था वो हो गया। एंड देन फिर हम बाहर आए स्ट्रीट फूड कुछ खाने के लिए। तो हम आए थे मोमोज खाने के लिए। देखिए गाइस ए वरना अंडा खाने का, अंडा खाएंगे अभी खाते हैं। तो बस हम लोगों ने खाया मोमोज एंड ऑमलेट। उसके बाद पहुंच गए हम घर। तो ये रहे मिस्टर सिंगर भैया मीन्स अंकुर भैया। अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चन सजौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। तो गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। तो चलते हैं सोने की ओर। अरे बाल सो गए। एंड सो के सुबह हम पहुंच जाते हैं। हमें छठ पूजा मनाया जाता है। जय छठ मैया। ये देखिए अभी इधर से गन्ना लेके जाया जा रहा है। तो अब मुझे मेरे भैया लेके जा रहे थे अपने घर, मिस्टर अंकुर भैया। तो मैं पहुंच गया अंकुर भैया के घर में। ये देखा
हमको कुछ मत करी रे, देखे प्यारा सा कुत्ता है। अरे भाग रहे भाग, चलो। ये था मेरे भैया का प्यारा सा कुत्ता। उसके बाद भैया हम लोगों के लिए लाते मिठाई, मिठाई लाते तो हम तो छोड़ने वाले थे नहीं, खा लिए एंड देन उसके बाद रूम में आके एक आदमी का हाथ काट दिया था, चला मारे थे। हंसना है तो हंस लीजिए गाइस, मुझे भी हंसी आ रही है बाय द वे। तो बस रात बिता कर सुबह हम निकल गए, अब बस गांव छोड़ना था हमें, बस अब जा रहे थे घर। तो अब यहाँ से जो हम लोग देवरिया स्टेशन के लिए जो हमें गाड़ी मिलेगा वो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हमारे चाचा हम लोगों को वहाँ तक छोड़ देते हैं एंड देन ऑटो मिलता है हमें और बैठ के हम चले जाते हैं। एंड स्टेशन तो हम पहुंच जाते हैं, तो बस अब सीढ़ियों के रास्ते से हम जा रहे थे स्टेशन की ओर। बट एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात ये थी कि हमारा जो टिकट वो कंफर्म था पर हम लोगों ने बोर्डिंग कराया था लखनऊ से, तो गलती होगी, हम थे देवरिया में, हमें ये चीज़ पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो हमें लगा था कैंसिल हो जाएगा टिकट, ऐसे भी कैंसिल होने का बहुत प्रोबेबिलिटी होता है। तो हमारा चंडीगढ़ एक्सप्रेस आ चुका था, तो बस गए हम देखने के लिए कहीं हमारा कैंसिल तो नहीं हो गया सीट। बड़े टेंशन में थे, कंफर्म होते हुए भी अगर कैंसिल हो जाए इससे ज़्यादा ख़राब नसीब तो क्या ही बोले, इतने दिन ट्रेवल किए विदाउट टिकट, आज कंफर्म है। तो चलिए बस हम घुस जाते हैं अंदर। तो देखा हमारा सीट तो एकदम सही सलामत था, कोई कैंसिल नहीं हुआ। तो एक ही चीज़ कहूँगा ना, तो अभी तो मैं सो गया था बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप कभी भी टिकट कटवाते हो तो कभी भी आप 1-2 स्टेशन के सामने ही बोर्डिंग कराइए। तो गाइस सुबह हो जाती है और हम लोग एकदम रिलैक्स बैठे थे क्योंकि अब तो ना जनरल ना कुछ, अब बस हमारा देखिए लिट्टी चोखा आया था गांव से तो खाते थे हम, बढ़िया से खा रहे थे। तो बस अब यूँ ही लेटे हुए थे, कंफर्म सीट है और बोर्डिंग भी लग रहा था, तो बस अभी यूँ ही ट्रेवल का मज़ा लेते हुए हम जा रहे थे। अभी तो बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम आ गए गेट का सामने, तो थोड़ा मजा करते हुए एंड देन ये सब चीज़ तो किसको देखना पसंद नहीं है। तो बस रात हो जाती है, सो जाते और कल सुबह ही हम पहुंचने वाले थे, तो गाना सुन के इन्जॉय करते हुए एंड देन सोने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले खाते हैं क्या, एक बिरयानी है ना, एक चावल, एक बिरयानी। तो एक ही सूचना दूंगा, कभी भी ट्रेन का खाना मत खाइए, बाप रे बाप। तो बस सुबह उठ गया था मैं और एंड देन अभी हम पहुंचने वाले थे कुछ ही देर में। तो गाइस इस सफ़र को मीन्स हमारा जो देवरिया से तिनसुकिया का सफ़र मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, बड़ा मत मानिएगा। तो बस हम पहुंच ही जाते कुछ ही देर में हमारा तिनसुकिया स्टेशन, बस पहुंच ही गए थे, पहुँच चुके अभी यहाँ से गाड़ी पढ़ के निकलते अच्छा बाहर की ओर अभी फिलहाल हम चलिए। ये रहा तिनसुकिया जंक्शन हमारा, कभी निकलते घर की ओर। तो बस स्टेशन के लिए हम लोगों ने पकड़ी ऑटो, फिर ऑटो से हम पहुंच गए बस स्टेशन एंड देन उसका सफ़र लेते हुए हम जा रहे थे कहाँ, तेजू अपने घर, भाई बहुत मज़ा आने वाला था, बस पहुंच ही गए। तो अभी मैं पहुंचा था मेरे दोस्त के घर डिगारू में, तो अब यहीं में थोड़ा देर रुक के खाना पीना खा लिया दोस्त के घर में, उसके बाद हमें भी जाना है, पहले इसके घर में रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पहुंच गया, फ्रेश हो गए अभी चलते तो हम लोगों ने वहाँ से भी एक और बस पकड़ी, फिर बस पकड़ के अब सीधा हम पहुँच गए थे। अब बस यहाँ से कुछ ही दूर था मेरा घर, बहुत एक्साइटेड था। ये था मेरा भाई एंड देन ये पहुँच गया, ये मेरा लोता मोता दुकान। तो बस घर पहुँच के ये हम दोनों भाई के बीच में हुई धमासान युद्ध। तो बस गाइस हमारा सफ़र यहीं में होता है समाप्त। तो हम पहले घूमे थे बनारस, तो बनारस को अलविदा कहते हुए हम गए थे उसके बाद वृंदावन, तो वृंदावन भी हम लोगों ने घूम लिया। उसके बाद हम घूमे थे आगरा, आगरा में बहुत सारे लोगों से बात की, प्यारी प्यारी बातें की, जैसे कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा। फिर हम लोग आगरा के बाद गए अयोध्या, राम मंदिर घूमे गाइस। उसके बाद तो आप लोगों ने देखा हम पहुँच गए थे गाँव। तो इस सफ़र की बात करूँ ना गाइस, तो ये बंदा आकाश ने हमें सब कुछ गाइड किया, तो आकाश ने हमें इतना दूर घुमाया, तो थैंक यू सो मच आकाश हमें गाइड करने के लिए, और हमारे साथ हमारा भोला भी था, तो थैंक यू सो मच। तो गाइस घर तो पहुँच चुका हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कभी भी बड़े शहर जाते हो, छोटे से बड़े शहर,
तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ का एनवायरनमेंट माहौल एक जैसा नहीं होता है कभी भी। तो आप कभी भी जाओगे तो मैं यही कहता हूँ, कोई भी जानकार आदमी के साथ ही जाइए। मेरे साथ तो मेरा दोस्त आकाश था, जिसके कारण मुझे उतना प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ा, क्योंकि आकाश ने सब संभाल लिया। तो आप कभी भी जाओगे तो थोड़ा जानकार आदमी के साथ जाइए, सब कुछ सोच समझ के जाइए। आकाश ने तो हर चीज़ हमें संभाल लिया, मेरे साथ मेरा दोस्त भोला था जो जिसका पहला ट्रिप था, फिर भी वो बहुत नॉलेजेबल बन चुका है। तो थैंक यू सो मच आकाश, तुमने इतना हेल्प किया हमारा। तो इस वीडियो में भले आकाश बहुत कम दिखा, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ही उठाई थी। तो थैंक यू सो मच आकाश। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कभी भी जाओगे ना तो कोई जानकार आदमी के साथ जाइए जो एक्सप्लोर करता रहता हो, क्योंकि अकेला जाओगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, मानता हूँ मैं। बट क्या हो गया, क्या है कि ना थोड़ा नुकसान तो होगा, इसलिए मैं कहता हूँ जाओगे तो थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले आदमी के साथ ही जाइए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अभी यहाँ पहुँच गए तो ये मत सोचिए कि वीडियो अभी ख़त्म हो गया, बहुत आना बाकी है, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में,